उत्तरकाशी के सिलकियारा में निर्माणधीन टनल में फंसे सभी मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। 16 दिन से मजदूर इस सुरंग में फंसे थे। बाहर आने के बाद मजदूरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मजदूरों के परिजनों के साथ साथ पूरा देश उनके बाहर आने के बाद खुशी मना रहा है। वहीं मजदूरों को बाहर निकालने वाली रेस्क्यू टीम की भी हर तरफ तारीफ हो रही है। सभी 41 मजदूरों को बाहर निकालने के बाद उन्हें चिन्याली सौल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद मामले पर पूरी नजर बनाई हुई थी। सीएम खुद रेस्क्यू टीम के साथ टनल में मौजूद थे। सीएम धामी के साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। टनल के बाहर निकलते ही सीएम ने सभी मजदूरों को माला पहनाई और उनका हालचाल जाना। उनके चेहरे पर वो खुशी देखकर देश की खुशी का ठिकाना नहीं था। पीएम ने सभी मजदूरों से की बात। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले को लेकर लगातार सीएम धामी के संपर्क में रहे। पीएम ऑफिस के अधिकारी पहले से ही मौके पर मौजूद थे। वहीं पीएम ने सभी मजदूरों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही पीएम को सभी मजदूरों ने बताया कि उन्होंने कैसे इतने दिन टनल के अंदर गुजारे। मजदूरों ने बताई अपनी आप बीती। पीएम मोदी को मजदूरों ने बताया कि उन्होंने कभी भी आस नहीं छोड़ी। उन्हें कभी कोई कमजोरी या घबराहट का एहसास नहीं हुआ। सभी मजदूर एक परिवार की तरह रह रहे थे, हिम्मत के लिए एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। वहीं टाइम पास करने के लिए वो फोन पर लूडो खेलते थे। हालांकि फोन होने के बावजूद नेटवर्क ना होने के कारण वो किसी से फोन पर बात नहीं कर पा रहे थे। सुरंग में आ रहे पहाड़ी पानी से वो नहाया करते थे। पहले कुछ दिनों तक मुरमुरे खाकर उन्होंने गुजारा किया। टनल के अंदर करते थे योगा। सुरंग के अंदर जगह काफी थी। मजदूरों ने शौच के लिए एक जगह को निर्धारित कर रखा था। जब मजदूरों को अंदर खाना भेजा जाता था तो वो लोग मिलजुल कर खाना खाते थे। खाना खाने के बाद वॉक करते थे। सुरंग के अंदर 2.5 किलोमीटर का स्पेस था जिससे वो लोग आसानी से वॉक कर सकते थे। इसके साथ ही सुबह भी सभी मिलकर योगा और वॉक करते थे। सभी टाइम पास के लिए क्रिकेट भी खेलते थे, मिलकर गाना भी गाते थे। यानी ये कहा जा सकता है कि इन्होंने एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाया, हिम्मत नहीं आ रही और पूरे प्लान तरीके से वो 16 दिन यहाँ पर रहे हैं। वाकई इनके जज्बे को जितना सलाम किया जाए उतना कम है। मजदूरों को दिया गया था 15 दिन का राशन। मजदूरों में से एक का कहना है कि पहले थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन सरकार और वहां मौजूदा अधिकारियों ने जब उनसे संपर्क साधा तो काफी हिम्मत मिली। हमें पाइप से खाना पानी भेजा जा रहा था। हमारे पास 15 दिन का राशन था। फिर फोन से बात होने लगी। भगवान के साथ साथ सरकार बचाव कर्मियों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और पूरे देश का जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की। रेस्क्यू टीम हमेशा हमारे संपर्क में थी। सभी देशवासियों को दिल से शुक्रिया जो हमारे लिए इतनी सारी दुआएं मांगते हुए नजर आए। वाकई यहाँ हर किसी को शाबाशी देने की जरूरत है। देश ने दुआ मांगी, अधिकारियों ने अपना काम किया, बचाव कर्मियों को दिल से हर कोई शुक्रिया अदा कर रहा है। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।